हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप अच्छे होंगे और अपने अपने घर में स्वस्थ होंगे। जैसा कि आपको पता ही है, लॉकडाउन खुल गया है, तो मैंने कहा चलो आज मेरे पास टाइम है तो मैं कर लेती हूँ क्लीनिंग, क्योंकि मैं रूम की क्लीनिंग कर चुकी हूँ। तो उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि मैं क्लीनिंग वीडियो लेके आऊँगी, तो एक लेके आई हूँ मैं आज, ये हॉल क्लीनिंग का। तो सबसे पहले करूँगी मैं अपने जाले घर के साफ, क्योंकि जालों से ही सबसे गंदा लगता है। जाल इतने नहीं लग पाते कि आपके लिए बहुत ज़्यादा वो हो, लेकिन फिर मैंने कहा चलो बालों पर सर पे रख रहे चुन्नी वगैरह रख लेती हूँ, कि जो भी थोड़ी बहुत धूल मट्टी होगी वो हट जाएगी। और मैं थोड़ा सा साइड की दीवारें भी इस टाइप से साफ कर देती हूँ तो अच्छा लगता है। तो प्लीज़ माइंड मत करिएगा, आज फ़ोन में थोड़ी क्वालिटी बड़ी अलग सी कुछ आई है, और हॉल में भाई क्यों ऐसे आता है, लाइटिंग थोड़ा सही से नहीं हो रखी। तो चलिए, इधर मैंने कहा सारे टैडी वैडी मैंने पहले ही निकाल दिए थे, और मैंने कहा चलो ये पहले मैंने सारा जो टीवी कॉर्नर था ये भी साफ़ कर लिया है साइड में जो है। और ये जो इनकी यहाँ पर है ना पूरे में, मतलब छोटे छोटे कई बार दिखते हैं नहीं है, तो वो चीज़ें मेरी आईज़ काफ़ी वीक है तो मुझे काफ़ी ध्यान से देखना पड़ता है। तो मैं इधर पूरे सारी किचन साफ़ कर लूँगी, और किचन का पर्दा कर दिया है क्योंकि मैंने खाना वाना, मतलब बच्चे भी सो रहे हैं, चाय नाश्ता मेरा हुआ है, मैंने कहा बच्चे भी सो रहे हैं जल्दी उठ गई हूँ मैं, तो मैं नहाने धोने के बाद कर लेती क्लीनिंग। क्योंकि क्लीनिंग मुझे काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी लेकिन कर ही नहीं पा रही थी, क्योंकि अभी सब घर में भी रहते तो उसमें भी दिक्कत होती थी कि नहीं कर पाते थे, कि सुबह भी नहीं कर सकते, दिन में भी नहीं कर सकते, बहुत प्रॉब्लम हो रही थी मेरे को, जो डीप क्लीनिंग नहीं कर पा रही थी मैं। तो इधर मैंने कहा देखिए पूरा वहाँ पर टीवी का वहाँ पर पूरा साफ़ कर दिया अच्छे से। और जो ये गुलाई होती है ना, जो आर्च बनी होती है, इस पर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, मिट्टी बैठ जाती है, और अगर आप नहीं करोगे तो इतना गंदा लगेगा बहुत ज़्यादा। तो मैं इसे ज़रूर साफ़ कर लेती हूँ, तो मैं कपड़ा पूरे में इसे अच्छे से फेर दूँगी, जो भी मिट्टी वगैरह होगी वो सारे इस डस्टर में आ जाएगी। तो इधर मैंने अच्छे से इसे साफ़ कर लिया है। और विंडो वगैरह तो आपको पता ही कि मैंने जैसे अभी कुछ टाइम पहले ही क्लीनिंग का वीडियो में रूम का भी लाई थी, तो मैं जब भी साफ़ कर लेती, लेकिन मैं आज भी कर लूँगी। तो इसके बाद मैं आ गई हूँ फ़ैन के लिए, क्योंकि फ़ैन सबसे पहले तो साफ़ करना पड़ता है, और फिर साफ़ करते रहो। तो आज मैं कुछ खैर सर्फ साबुन से कुछ चीज़ें साफ़ नहीं करूँगी, खाली एक बार सूखे कपड़े से पहुँच दूँगी और एक बार गीले कपड़े से। तो मेरे पंखे में करंट नहीं आता, अगर आपका आता है तो वैसे लाइट काट ही देना। तो मैंने इधर बंद करके कर लिया है और इसे अच्छे से साफ़ कर दूँगी एक बार सूखे कपड़े से, और हल्का सा गीला, मतलब वहाँ तार के वहाँ तो मैं लगाती नहीं हूँ हाथ। और इसके बाद मैं इसे साफ़ करके अच्छा सा लगता है। थोड़ी सी क्लीनिंग करने के बाद ही आप डीप क्लीनिंग करें या तो अपना थोड़ा सा घर साफ़ कर लेते हैं तो आपको मन में ना बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है। तो मुझे तो खैर इन टाइप की वीडियोस देख के काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। तो इधर मैं ये सीनरी वगैरह जो राधा कृष्ण जी की सीनरी है ये मुझे बहुत ही प्यारी लगती है, तो मैं चलो आज इसको भी साफ़ कर लेते हैं और थोड़ा सा हॉल का भी मेकओवर करेंगे। तो उस नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी मैंने क्या करा और कितना चेंज लाई बिल्कुल जीरो बजट में, तो वो भी आपको मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो इधर मैंने सिंगरी अच्छे से साफ़ कर दी है, तो सिंगरी वगैरह थोड़ा सा मट्टी वगैरह आ ही जाती है, तो इधर पीछे से ही मैं साफ़ कर दूँगी। पूरा साफ़ करने के बाद मैंने, बच्चे अभी सोए रहे हैं अंदर जैसे आपको मैंने बताया था, और इसके बाद मैं ये वाली विंडो भी साफ़ कर लूँगी, कुंडी बंद कर दी है, और मैं कहा चलो भी कर लेते हैं विंडो साफ़। और विंडो भी साफ़ रहती है तो अच्छा सा लगता है, क्योंकि डार्क कलर है तो इसको सफाई से आपको ज़्यादा ही रखना है। तो चलिए मैंने सारा सामान हटा दिया टॉवल वगैरह उसके ऊपर से, क्योंकि मुझे टॉवल का रहता है कि जहाँ टंगी है तो हाथ वगैरह जो भी है मैं पहुँचती रहती बाबा से। तो मैं इसे यहाँ पर साफ़ कर लूँगी, और सबसे पहले तो मैंने झाड़ू से साफ़ कर लिया था, झाड़ू जब मैंने जाले वगैरह थे उससे ही मैंने साफ़ कर लिया था। उसके बाद मैं एक बार सूखे कपड़े से अच्छे से हाथ से जैसे करना है मैं ऐसे कर लूँगी। और शायद सबका अलग तरीका होता है क्लीनिंग करने का भी, तो भाई मेरा जो तरीका है बिल्कुल सिंपल है, और जितना हो सकता है अपने घर को अच्छे से रखना की पूरी कोशिश करती हूँ, और शायद सभी लेडीज़ को होता है कि अपने घर को काफ़ी अच्छे से रखती हैं। तो मैंने कहा चलो भाई अभी मैंने वहाँ से क्लीनिंग कर ली है विंडो से, तो मैं आ गई हूँ फ्रिज के ऊपर। जो फ्रिज के ऊपर काफ़ी मेरी मेडिसिन वगैरह काफ़ी चीज़ें रहती हैं, जो बच्चों की छोटी छोटी चीज़ें, मतलब दवाई वगैरह से ही रहती हैं, और कुछ भी चीज़ें, एक पैन वगैरह जैसे आपको पता ही है। तो ये मैं इसी के ऊपर थोड़ा साफ़ कर दूँगी, और फ्रिज क्लीनिंग भी करना है तो मैं बाद में करूँगी, अभी तो पहले आज मैं यही कर लूँगी क्लीनिंग, क्योंकि उसके बाद बच्चों को नाश्ता वगैरह खाना वाना सब कुछ बनाना है दिन में, तो आप समझ सकते हैं कि कितना लेट हो जाता है जब भी क्लीनिंग करो। तो इधर मैंने गेट वगैरह मैंने पहले ही सूखे कपड़े से पहुँच दिया था, तो मैंने अभी इधर गीले कपड़े से भी एक बार साफ़ कर दूँगी। तो इतना अच्छा सा घर एकदम से क्लीन होता जा रहा था, इतना ज़्यादा खुश, जितना मतलब मैं क्लीन करी जा रही थी उतना मेरे को खुशी होती जा रही थी, चलो भाई आज ये भी टेंशन ख़त्म हुई। इतने दिनों से सोच रही थी मैं, क्लीनिंग भी मेरी हो गई है, और डीप क्लीनिंग के लिए वास्तव में बहुत टाइम लग जाता है। और फिर मैं जब भी क्लीनिंग करती हूँ तो मेरा एक मोटिवेशन ये ज़्यादा होता है कि मैं अपने घर में थोड़ा सा चेंज ज़रूर करूँ, क्योंकि मुझे चेंज करने का खुद ही
ज़्यादा रहता है। तो इधर मैं चलिए मार लेती हूँ पोछा और क्लीनिंग मेरी हो गई है, तो मैं दिखाऊंगी आपको मैंने क्या थोड़ा सा चेंज करा है अपने घर में, तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। तो इधर देखिए मैंने पूरे फ्लोर में मार लिया है पोछा, क्योंकि क्लीनिंग के बाद सबसे बड़ा काम ये होता है, उसके बाद आपके घर में चार चांद लग जाते हैं क्लीनिंग होने के बाद ही। चलिए आज का वीडियो आपको थोड़ा सा भी क्लीनिंग वीडियो अच्छा लगा हो, मोटिवेशन करा हो इस वीडियो ने, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब प्ले